जम्मू कश्मीर के उपजिले सोपोर में सुरक्षा बलों ने देर रात लश्कर ए तैयबा के दो हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों में से एक गैर स्थानीय लोगो अल्पसंख्यक और सुरक्षा बलों पर हमला करने के मौके की तलाश में था। पुलिस ने कहा कि शाम सोपोर पुलिस द्वारा शाह फैसल मार्केट से में सेना की 22 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ एक घेरा और एक तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान एक व्यक्ति के हाथ में बैग और संदिग्ध गतिविधि देखी गई और उसे रुकने के लिए कहा गया, लेकिन उसने मौके से भागने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया। बैग की तलाशी लेने पर एक पिस्तौल, एक पिस्टल मैगजीन, कुछ राउंड और एक विस्फोटक उपकरण बरामद किया गया है। पूछताछ में उसका नाम रिजवान और निवासी बारामूला बताया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि वे प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तैयबा का सदस्य है और गैर स्थानीय नागरिक अल्पसंख्यक और सुरक्षा बलों पर हमला करने की फिराक में था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में उसके साथ एक साथी भी है जिसका नाम जमील पारा है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है।